हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये मसाला छाछ की रेसिपी, जिसको मैं तीन तरीके से बनाने वाली हूँ। गर्मी आ गई है और मसाला छाछ ऐसी चीज़ है जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है, साथ साथ अलग अलग वैरायटी से इसको बना के हम न्यूट्रिशियस भी बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी इंटरेस्टिंग रेसिपी है इसकी, साथ साथ मज़ेदार भी बहुत है, न्यूट्रिशियस भी है, हेल्थ बेनिफिट्स भी अपने हैं इसके। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ अगर मेरे चैनल की वीडियोस आप करते हैं पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ये एक दरदरा सा पाउडर, जिसमें मैं भून रही हूँ 3 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च। तो बस इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसको हम कूट लेंगे, या तो आप इसको ब्लेंडर में भी चला सकते हैं। ब्लेंडर में हल्का सा इसको चलाएं, हल्का सा दरदरा छोड़ दें इस पाउडर को, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है छाछ में जब दरदरा सा ये पाउडर हम डालते हैं। तो बस मैं इसको कूट कर तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ आपको। उससे पहले मैंने कुछ एक आध चीज़ें तैयार करके रख ली हैं छाछ के लिए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लिया है, क्योंकि हमें 3 ग्लास छाछ प्रिपेयर करनी है और उसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 कप और साथ साथ 1/4 कप दही। मैं फुल फैट योगर्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ और बस अब हम इसको लिक्विफाई करेंगे, यानी कि इसको बिल्कुल छाछ जैसे आपने देखा होगा कि बिल्कुल पतली होती है, तो इसमें हम डालेंगे 2.5 ग्लास पानी। तो ये पहले मैंने 1 ग्लास डाल दिया है ताकि मैं इसको अच्छे से बीट भी करती जाऊँ, इसमें बिल्कुल कोई लंप ना रहे, बिल्कुल पतला एकदम हम छाछ इससे तैयार करेंगे। और आप इस तरीके की मथनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो आप आपके घर में रेगुलर जो बीटर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारी जो दही है वो बिल्कुल मिक्स हो गई है और बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सबसे पहले नमक, तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें। उसके बाद जो हमने भुना कुटा जीरा और ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च और जीरे का जो पाउडर तैयार करा था, वो 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, साथ साथ पाचन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। तो पहले मैं अभी यहाँ पर इसमें 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ ये काला नमक, जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और बाद में हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। और 1/2 चम्मच ही अभी मैंने डाला है इसमें चाट मसाला। तो एक बार पहले मैं इसको मिक्स करके देखने वाली हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि हम इसमें अलग अलग तरीके के मसाले जैसे चाट मसाला और काला नमक डाल रहे हैं, तो इसमें नमक की कंसिस्टेंसी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जब आप नमक डालें तो केयरफुल रहें, और ऊपर से आप इसकी टेस्ट जो है वो आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, बड़ा और घटा सकते हैं चीज़ों को। तो मैंने टेस्ट करके देखा तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला और डाला है, और इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच पूरा काला नमक, और यानी कि 1.5 चम्मच काला नमक इस्तेमाल करा है मैंने इसमें, और 1 चम्मच इन टोटल चाट मसाला। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है तो आप देख सकते हैं ये रीकैप। तो चलते हैं, आप प्रिपेयर करते हैं पहली छाछ जो है मिंटी फ्रेश। नाम सुन के गर्मियों में, ऐसा नाम सुन के मज़ा आ जाता है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैं 1 ग्लास छाछ, जो बेसिक छाछ हमने तैयार करी है, उसको अलग से बाउल में निकाल रही हूँ। तो मैंने इसके लिए लिया है 1 हरी मिर्च, जिसको मैंने डीसीड कर लिया है, और साथ साथ 1/4 कप मैंने पुदीना और धनिया के पत्ते लिए हैं, उनको ब्लेंडर में चला लिया तीनों चीज़ों को, और बस जो बेसिक छाछ हमने बनाकर तैयार करी थी उसमें इसको मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल तैयार है। तो इसको डाल लेते हैं ग्लास में। तो ये तैयार है बहुत ही बेनिफिशियल, साथ साथ तरोताजगी से भरी हुई मिंटी फ्रेश छाछ। अब चलते हैं दूसरी छाछ प्रिपेयर करते हैं, जो कि है बहुत ही कूलिंग इफेक्ट वाली, यानी कि समर कूलर। तो समर कूलर जैसे इसका नाम है, इसके अंदर हम इस्तेमाल करने वाले हैं खीरे का। खीरे के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ पानी होता है, और गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है खीरा हमारे लिए। तो ये 1 ग्रेटेड खीरा में मैं डाल रही हूँ ये 1 पूरी ग्लास छाछ। तो ये छाछ और खीरे का जो कॉम्बिनेशन है बनकर आता है बहुत ही कूलिंग इफेक्ट वाला समर कूलर। ये तैयार हो चुकी है हमारी दूसरी छाछ। और तीसरी छाछ जो है हमारी है न्यूट्री मसाला, क्योंकि हम इसमें मसालेदार छाछ को पैक कर रहे हैं न्यूट्रिशन के साथ, यानी कि आधी मैंने यहाँ पर ग्रेटेड गाजर ली है, और बस उसके अंदर डाल दी है ये 1 ग्लास पूरी छाछ। तो ये बन गई है मसालेदार न्यूट्रिशन पैक्ड न्यूट्री मसाला छाछ। तो ये तीनों छाछ आई होप आपको आई होंगी पसंद। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, और साथ साथ छाछ तो वैसे ही इतनी डिलीशियस लगती है, और उसमें जब एडेड बेनिफिट ऐड हो जाता है तो उसको बना देता है बहुत ही न्यूट्रिशियस। तो जब आप इस छाछ को सर्व करें तो बस ये ध्यान रखें कि बेसिक जो आप छाछ है उसको प्रिपेयर करके पहले ठंडा कर लें, और ठीक सर्व करने से पहले ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करें, और उसके बाद बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ सर्व करें ये डिलीशियस 3 तरीके की छाछ।
आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। जब आप इसको सर्व करें तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा गार्निश कर दें एक पुदीना पत्ता से और साथ साथ कटे हुए गाजर और खीरे से, और ऊपर से थोड़ा सा छिड़क दें जो हमारा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर है वो, जो कि देखने में इसको और भी अट्रैक्टिव बना देगा। तो बनाइए इसे और इन्जॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।